दोस्त अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ चश्मे वाला स्टोर दिल्ली का। दिल्ली अभी हम लोग गेट के अंदर प्रवेश किए हैं, सामने ओपीडी मिलेगा, ओपीडी में पर्ची कटता है पेशेंट को दिखाने के लिए। ये दूसरा गेट की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरा गेट है जो जो अभी देख रहे हैं इमरजेंसी की तरफ से जाती है ये। और अभी मैं आपको ये दूसरा दिखा रहा हूँ जो बहिरंग रोगी विभाग जिसको बोलते हैं ओपीडी बोलते हैं उसको, मैं आपको इधर करने जा रहा दिखा रहा हूँ। अभी आपको अंदर ले चलता हूँ बहिरंग ओपीडी। यह देखिए बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, चाहते नहीं बाल चिकित्सा दिल्ली बहिरंग रोगी विभाग। देखिए मरीज किस तरह बैठे हैं बाहर, बहुत अच्छा बैठने के लिए है। इलाज तो बच्चे का अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे का इलाज में बहुत अच्छा होता है। अभी हम इनकी बाहर के अंदर से बाहर से अंदर तरफ ले जा रहे हैं जहाँ से ओपीडी में पर्ची कटता है। अभी तो पर्ची करना मैंने काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ से बच्चे काफ़ी भीड़ रहती है। सामने ओपीडी है मेरे, जहाँ पर मैं रोगी जब पर्ची कटता है काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर दोस्तों। ब्लड चेक का ब्लड जांच केंद्र है, ब्लड सैंपल नमूना संग्रह, ब्लड सैंपल लिया जाता है, नमूना संग्रह ब्लड सैंपल इमरजेंसी में जाने का ये है, लेकिन अभी परमिशन नहीं है इमरजेंसी, अभी परमिशन नहीं इमरजेंसी नहीं जा सकते। आपको दिखा रहा हूँ अंदर तरफ जा रहे हैं, सामने जाते हैं बच्चों का, सामने देख रहे हैं बच्चों का वजन होता है, वजन बच्चों का वजन होता है जो पर्ची करते हैं, डॉक्टर बैठते हैं अंदर क्या गया आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है बच्चों का, काफ़ी है डॉक्टर को दिखाने के लिए सब लाइन में लगे मुझे। यहाँ पर बैठने का इंतजाम है, ये बहुत देख सकते हैं बैठने का इंतजाम है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे बैठने का इंतजाम है, तो सारे बैठे हैं। इधर चार पाँच नंबर काउंटर यहाँ पे, यहाँ भी पर्ची कटता है, चार पाँच नंबर काउंटर इधर पुराना पर्ची यहीं पर कटता है, चार पाँच नंबर ये वाला चार पाँच नंबर काउंटर है, इसको नाम देख देख सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर असेंबली पॉइंट है, सामने टीवी लगा हुआ मरीजों को देखने के लिए, मरीजों को परेशानी ना हो देखने के लिए। देखिए दोस्तों तो दूसरे साइड में मिले चलते हैं आपको, यहाँ पर वहाँ तक लाइन लेती है चलते हैं, सामने चार पाँच मिनट कमरा आपको भी जो यहाँ से पर्ची करता है, ये देखो फल नजर आता है, पर कमरा पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर सामने पी लगा पीने का पानी है, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करके सजाया गया है अस्पताल को, बच्चों के खेलने वगैरह के लिए। यहाँ पर ये डॉक्टर खाने में जैसे बाहर बैठे हैं सब, बहुत अच्छा बैठे हैं इंतजाम है। लेडीज जेंट्स टॉयलेट ऊपर साधन है, अंदर जीने ये ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने वाला है तो दूसरी साइड लेके जब वहाँ भी मन में काफ़ी भीड़ रहता है, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रहता है। काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है मेरे लिए। काफ़ी भीड़ रहता है मेरे लिए यहाँ पर, ये बैग पकड़ लो, आ जाओ इधर आ जाओ।
सब बंदे को जाना था, रिक्शा में भी वहाँ गए सर, मेरा इधर ही होता है सर, वहाँ गए थे लेकिन अभी परमिशन नहीं, नहीं जाने देगा मुझे, फिर आपको लेकर चलते हैं। सामने नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई है, उसी समय सामने नेहरू जी का मूर्ति लगा हुआ है, सामने नेहरू जी का नेहरू जी का बना है। जवाहर जैसे पहले पढ़ाने लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों देश से बहुत योगदान दिया है, फिर ऊपर जाने के लिए जीना है, आपको जगह दूसरे के ऊपर है, ऊपर भी भाग है, ऊपर जाने के लिए बैठने के लिए बना हुआ है, सुबह का नज़ारा है, देख सकते हैं इधर भी काफ़ी दूर जाता है देखने के लिए बच्चों को, इधर तो साधन इधर तो बंद है, जो प्रयोगशाला है उधर जाना तो कहीं से नहीं बच्चों के लिए, आपको मिले तो दूसरे इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी गेट पर आपको ले चलूँगा आपको, जैसे अभी हम ओपीडी से बाहर निकले हैं अभी मैं दूसरे भी इमरजेंसी की तरफ ले जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कितना भीड़ है बैठने के लोगों का, ये हम आपको इमरजेंसी की तरफ ले चलते हैं, इमरजेंसी गेट जो 24 घंटा खुला रहता है, चाचा नगर बाल अस्पताल का ये गीता कॉलोनी में पड़ता है, तो ये 24 घंटा ही खुला रहता है। सामने स्कूल भी है सेंट लॉरेन कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, ये बच्चों के लिए बच्चों की पढ़ाई का स्कूल है, ये बहुत बड़े बड़े बच्चे आते पढ़ने के लिए चलते, इमरजेंसी के लिए भी देख सकते कितना भीड़ रहता है, इधर भी बैठने के लिए है, इमरजेंसी के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, आप देख सकते हैं इमरजेंसी के लिए किस तरह लाइन लगी हुई है, गार्ड है गार्डिंग करते हैं इमरजेंसी गेट पर। इमरजेंसी गेट पर काफ़ी भीड़ होती है, आप देख सकते हैं इमरजेंसी गेट है चाहे अस्पताल का, जो 24 घंटा ही खुला रहता है, दिन रात 24 घंटा कभी बंद नहीं होता, बच्चों के लिए तो समझिए गरीब के लिए होता है, जैसे इस दिल्ली में बहुत बड़ी इमारत है, आपके लिए जब दवा मिलता है वो देखिए इमरजेंसी है, तो मैं इमरजेंसी भाग में अंदर का भी दिखा देता हूँ, उसमें आप जो के जरिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, ये अंदर का एरिया है, पानी पीने के लिए फ्रिज लगा हुआ है सामने, ये असेंबली वार्ड ब्लॉक, वार्ड ब्लॉक जिसमें मरीज भरते रहता है, मरीज भर्ती रहता है, ये विभाग है वार्ड ब्लॉक, चार पाँच छः मंजिल है, यहाँ से भी अंदर जाने के लिए है, जब वो ओपीडी बंद होता है तो यहीं से इसी गेट से अंदर जाने के लिए होता है, इसी गेट से अंदर जाने के लिए होता है, दवा वितरण केंद्र में आपको मिले चलता हूँ, आप दवा वितरण केंद्र फ्री में जो दवा प्रोसेस सब कुछ तो फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा तो लगता नहीं है, और खाने पीने का भी एयरपोर्ट साधन है, टॉयलेट ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया हुआ है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ प्रसाधन टॉयलेट है, ये अब ये बन रहा है, ये आपके ये पीछे वाला दृश्य है, इधर कैंटीन भी है, कैंटीन जो डॉक्टर खाना मिलता है यहाँ पर कैंटीन है, ये
उसमें कैंटीन भी है, कैंटीन है देखो, कैंटीन है यहाँ पे। फ्री ऑफ कोर्स दवा में वितरण होता है, फ्री ऑफ कोर्स, कोर्स चार्ज नहीं। ये सामने सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ पे दवा मिलता है फ्री ऑफ कोर्स। जो डॉक्टर लेकर यहाँ पे दवाई दवा वितरण कर रहा है, दवाई वितरण दिल्ली सरकार तरफ से सब कुछ फ्री कर दिया गया है, दवा भी जमीन कमी यहाँ पर सब कुछ दवा भी मिलता है यहाँ पर। जैसे मीटर कस चाहिए एरिया एक्सिमिस्टिक मीटर कट से ओनली इट्स राइट पर्सन। यहाँ पे किसी को जाना, ये जनरेटर चलता है ना उसका, ये भर धुआं फेंकने वाला है पास, जिससे अस्पताल में प्रदूषण ना फैले। ये सामने जो गेट देख रहे हैं आप, ये सामने ये ओपीडी जब बंद हो जाता है ना तो इमरजेंसी गेट, ये रात में 24 घंटा खुला रहता है। सामने से गाड़ी आ रही है सीधे, वही दो गेट है इसमें, इमरजेंसी गेट 24 घंटा ही खुला रहता है, वो बंद नहीं होता है। ये 24 घंटे फ्री ऑफ कोर्स है दिल्ली वालों के लिए, सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल का सब देंगे, अपने दवा वगैरह सब कुछ फ्री कर रखा है।